नमस्कार आप सभी को। गाइस, आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करनी है और जिसको सुनकर आप सभी को ऑब्वियसली बहुत ही खुशी होने वाली है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब कि जो भारतीय डाक विभाग है और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय है, तो इन दोनों की तरफ से जो है अप्रूवल मिल चुका है बहुत सारी न्यू वैकेंसीज के लिए। वो न्यू वैकेंसीज क्यों आने वाली है, क्योंकि भारतीय डाक विभाग ने डिसाइड किया है कि वो ओपन करने जा रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में 5,746 ब्रांच ऑफिसेस न्यू अभी ओपन करने हैं, मतलब क्रिएट करने हैं न्यू ब्रांच ऑफिसेस। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये डिसाइड किया है कि हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में एक पोस्ट ऑफिस जरूर होना चाहिए। इसलिए अगर किसी गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में पोस्ट ऑफिस नहीं है तो वहां पर जो है पोस्ट ऑफिस को क्रिएट करने का ये मुहिम जारी हुआ है। तो गाइज, इसके लिए टोटल बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली है जिसकी काउंटिंग आप देख चुके हैं ऑलरेडी थंबनेल पर, और इसमें हम बताएंगे कि पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज आएगी, क्या बाइफर्केशन है वैकेंसीज का। जैसे कि ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम के पद पर आने वाली है 5,746 वैकेंसीज। ओके गाइस, जीडीएस एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर के पद पर आने वाली है 7,082 वैकेंसीज। वहीं पर पोस्टल असिस्टेंट की भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है जिनकी है संख्या 275। वहीं पर इंस्पेक्टर की 60 वैकेंसीज आने वाली है एंड मेल ओवरसियर की टोटल जो है 120 वैकेंसीज आने वाली है। तो गाइस, ये अपने आप में जो है एक काफी बिग फिगर है वैकेंसीज का, 13,000 प्लस समथिंग वैकेंसीज आने वाली है जिसका आप कई सालों से इंतजार कर रहे थे। जैसे मेल ओवरसीयर की वैकेंसीज जो रहती है वो बहुत ही रेयरली आती है पोस्ट ऑफिस में, मतलब कि जनरली हर साल नहीं आती है, ये 5-6 सालों में एक बार आती है या फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो प्रमोशन होते हैं उनके थ्रू बनते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। मेल ओवरसीयर की वैकेंसीज भी काफी अच्छी है, इंस्पेक्टर की भी, पोस्टल असिस्टेंट की भी। पोस्टल असिस्टेंट की तो हालांकि अब सीजीएल के थ्रू भी होने लगी है, पहले सीएचएसएल के थ्रू होती थी। तो गाइज, ये जो मौका है जो लोग जो है जीडीएस बीपीएम एंड एबीपीएम का फॉर्म फिल करते हैं उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कम्प्लीट रहती है या फिर आपकी 12th कम्प्लीट रहती है, तो आप ये जो 12th बेस्ड एंड ग्रेजुएशन बेस्ड फॉर्म है इनको भी आप फिल करिएगा, जरूर करिएगा और आपको फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि जो बीपीएम एंड एबीपीएम की पोस्ट रहती है ग्रामीण डाक सेवक की, उनकी कट ऑफ तो काफी हाई जाती है, बट इसमें क्या है, बाकी जितने भी ये पोस्ट हैं इनमें आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई में मतलब कि पढ़ लिख कर आए हैं, अच्छे से कंपटीशन क्रैक करने के लायक हैं, उनको ही सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे कोरोना में 10th पास लोग जो हैं काफी हाई मेरिट के साथ आए हुए हैं और उनका जीडीएस बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक में सिलेक्शन हो रहा है, तो यहां पर क्या है, फेयर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो गाइस, ये फॉर्म जरूर फिल करिएगा, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में चलिए आपको देती हूँ, नोटिफिकेशन दिखाती हूँ कब इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एंड तक जाते जाते वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये वो कंप्लीट लिस्ट है वैकेंसीज की, सर्कल वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है जीडीएस बीपीएम एबीपीएम पोस्टल असिस्टेंट इंस्पेक्टर पोस्ट एंड मेल ओवरशियर की, जो कि देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कौन से स्टेट में दी गई है, तो एक बार सभी स्टेट्स की वैकेंसीज हम देख लेते हैं। देखिए, हमने सभी स्टेट्स की पोस्ट वाइज वैकेंसीज देख ली हैं, तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है ये 13th नंबर पर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज दी गई हैं, सभी पोस्ट में वैकेंसीज अवेलेबल हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। तो गाइज़, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और ये मैं नोटिफिकेशन भी दिखा देती हूँ कि नोटिफिकेशन किस डेट का है। गाइज, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, देखिए 24 मार्च 2023 को। ओके, एंड इसमें ये जो मोटी मोटी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी है, एंड जब भी इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी वीडियो बनाकर, एंड कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे चॉइस फिल करनी है और क्या क्या इसके लिए पढ़ाई करनी है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये सेकेंड पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कितने ब्रांच ऑफिसेज ओपन किए जा रहे हैं एंड कितने पोस्ट हैं बीपीएम एबीपीएम पोस्टल असिस्टेंट मेल ओवरसीयर एंड इंस्पेक्टर की। ओके गाइज, ये एनेक्सर 1 में दिया गया है जो कि मैं ऑलरेडी अभी आपको दिखा चुकी हूँ। तो गाइज, आई होप ये क्लियरली आपको समझ आ गया होगा एंड होपफुली जो है
आप इसको समझ भी गए होंगे एंड फर्दर जैसे ही इसका नोटिफिकेशन फाइनल आएगा कि हाँ आज से फॉर्म फिल करने स्टार्ट होंगे देन मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। कृपया करके चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा आप एंड पाते रहिएगा ऐसे ही भारतीय डाक विभाग से जुड़ी हुई सभी जानकारी, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो आए दिन सर्कुलर्स आते रहते हैं, इन्फॉर्मेशंस आती रहती हैं इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड हो या ट्रांसफ़र के मुद्दे से रिलेटेड हो, सभी खबर यहाँ पर आपको मिलेगी टाइम टू टाइम। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल मत भूलिए। इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी आगे अपडेट रहेगी कि कब इसके फॉर्म फिल किए जाने हैं, कौन सी पोस्ट के लिए कैसे कैसे फॉर्म फिल किया जाना है, इन सभी अपडेट्स की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिकेट एंड सटीक जानकारी दी जाती है जिससे आपको इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत ही शॉर्ट एंड शॉर्ट वे में जो है मिल जाती है। इसलिए चैनल से जरूर जुड़िए डाक विभाग से जुड़ी हुई सभी वैकेंसी, सभी लेटेस्ट खबरों की जानकारी पाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।